ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं इंस्टेंट डोसा बनाऊंगी। इसके लिए मैंने अग्रवाल 420 डोसा मिक्स ले लिया है। ये 500 ग्राम का है और इसकी प्राइस 101 रुपीज़ है। सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। एक ब्लेंडर जार ले लिया है, उसमें हम एक कप भर के डोसा मिक्स डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे, नहीं तो बैटर थोड़ा फीका लगेगा। एक टेबल स्पून मैंने फ्रेश दही ले लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। इससे बैटर जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। और इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा पानी बाद में ऐड करेंगे। आप बैटर को विस्क करके भी बना सकते हैं, बट ब्लेंडर जार में मिक्स करके बनाने से बैटर बहुत ही स्मूथ बनेगा। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। मैंने इसे लेवल 1 पे रख के 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लिया है। और बैटर को बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 1 टेबल स्पून जितना पानी हम ब्लेंडर जार में डालेंगे और बैटर को अच्छे से निकाल लेंगे। और ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। और इतने बैटर से हम 2 डोसा आराम से बना सकते हैं। और बैटर को अब हम 10 मिनट रेस्ट देंगे। और यहाँ पे बैटर ने 10 मिनट रेस्ट कर लिया है। और ये देखिए, बैटर बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है। और दूसरी तरफ मैंने एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया है। पैन अच्छे से गरम हो गया है। इसमें हम पानी के कुछ छींटे मारेंगे, जिससे कि पैन का टेम्परेचर लो हो जाएगा। और फ्लेम को भी अब हम लो कर देंगे। और लो फ्लेम में ही हमें बैटर को डालना है। बैटर को डालने से पहले एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और 2 चम्मच जितना हम बैटर लेंगे इसमें। और चम्मच को ऐसे घुमाते हुए हम सबसे पहले बीच से बैटर हटाएंगे और इसे साइड की ओर ले जाएंगे। और इस तरह गोल घुमाते घुमाते डोसा अच्छे से बन जाएगा। और ये देखिए, डोसा को मैंने अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसे 1 मिनट लो फ्लेम में ही एक तरफ सेट होने देंगे। और ये देखिए, डोसा सेट हो गया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून बटर डाल देंगे। और ये मैंने पत्ता गोभी को बारीक काट के ले लिया है, इसे हम 3-4 टेबल स्पून जितना डाल देंगे। और ये मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, इसे भी हम 3-4 टेबल स्पून जितना डाल देंगे। एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के ले लिया है। इस बात का ध्यान रखना है कि सारी सब्ज़ी बारीक कटी होनी चाहिए। और 3-4 टेबल स्पून जितना हम प्याज डाल देंगे। टमाटर को भी मैंने बारीक काट के ले लिया है, इसे भी हम 3-4 टेबल स्पून जितना डाल देंगे। टॉपिंग के लिए आप सब्ज़ी अपने मनपसंद ले सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि सॉस हम डालेंगे आगे, उसमें भी नमक होता है, प्लस चीज़ में भी नमक होता है। 1/4 टीस्पून शक्कर डाल देंगे। और 2 टेबल स्पून जितना हम टोमेटो सॉस डालेंगे। और ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस ले लिया है, इसे भी हम 2 टेबल स्पून जितना डाल देंगे। और अब हम हल्के हाथों से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डोसा बनाने का पूरा प्रोसेस हमें लो फ्लेम में ही करना है। हम सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करते हुए इकट्ठा कर लेंगे। और अब हम लीड लगाकर 1 मिनट सब्ज़ी को पकने देंगे। 1 मिनट बाद हम लीड को हटा लेंगे। सब्ज़ी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। और अब हम डोसा के साइड में इस तरह 1 टीस्पून जितना तेल डाल देंगे, जिससे कि डोसा हमारा आसानी से निकल जाएगा। डोसा को साइड से मैंने अच्छे से निकाल लिया है। और अब हम टॉपिंग को पूरे डोसे में अच्छे से सेट कर देंगे इस तरह। और ये मैंने 2 चीज़ क्यूब्स ले लिए हैं, इसे हम डोसा के ऊपर ग्रेट करेंगे। पूरे डोसा में अच्छे से हम ग्रेट करते हुए डालेंगे। और ये मैंने ऑरिगेनो सीजनिंग ले लिया है, इसे हम पूरे डोसे में डाल देंगे। मैं 2 सीजनिंग का यूज़ करूँगी यहाँ पे। और 1 चिली फ्लेक्स का पाउच ले लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। और आप तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चिली फ्लेक्स का और 1 पाउच डाल सकते हैं। और डोसा हमारा तैयार है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। और इस डोसा को बनाने में तवा पर हमें मैक्सिमम 5 मिनट लगे हैं। और ये देखिए, डोसा को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। डोसा को हम इस तरह प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए, डोसा हमारा परफेक्ट बना है।
आप इस डोसे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।